हेलो फैमिली, तो हम लोग आए हुए हैं फन कैसल रांची में। अभी आयु का जो भी मन है उसको हम लोग अभी पूरा करने। रुक जाओ, कैटरपिलर है ना, इस पे है। कहाँ बैठोगे? आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। तो फैमिली ये देखिए, देखो आयु, ये यहाँ पे सो रही है मेरी आरू। देखो आरू बैठ रही है वहाँ। सोई है, इसको कोई मतलब नहीं। आ जाओ, वापस आओ। आयु नीचे से ऊपर जाके फिर इस पे स्लिप कर रहा है। ये देखिए, ये लोग ड्रैगन ट्रेन पे घूम रहे हैं। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए आई, फिर आइसक्रीम खा रहा। अभी थोड़ी देर पहले भी एक खाया था, शायद हमने शूट नहीं किया था वो। अभी फिर खा रहा आइसक्रीम। हम लोग निकल गए हैं, बहुत थके, बहुत गर्मी थी। ये भी आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या हुआ है? क्या जब चश्मा नहीं लगाए हैं, सर वैसे ही दर्द कर रहे हैं, तो सोचे आइसक्रीम खाएंगे थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर के बाद। The next morning. तो गुड मॉर्निंग। तो मम्मी अभी खाना बना रही है, पापा पेमेंट कर रहे हैं, रारू अपना आराम से सो। बर्तन धोया, क्योंकि काम आ लिया है, और यहाँ पे बन रहा है मछली और फ्राई राइस। अब पोहा बन गया, अब फ्राई राइस। A few moments later. आरू है, प्यारी बिटिया है, क्या कर रही है? सोना मोना है, मम्मा की गोदी में छोया मेरा बच्चा, क्या कर रहा है? तुम नाखून से नोच मत लेना फिर मुंह अपना। क्या कर रहा है, क्या करना है? घूमू घूमू जाना है, दूध पीना है कि पोती करना है? क्या करना है? दूध निकाल रही हूँ कपड़ा। ये रिश्ता क्या कहलाता है देख रही है? गंदा मुंह मत बनाओ। हाय फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है, रात में जा रहे हैं। तो अब हो गए हैं रात के कितने, 10:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है। और कल क्योंकि शिवरात्रि है, इसलिए हम लोग सारा किचन का काम
अभी ही करके सोएंगे। हेलो, ये देखिए मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही हूँ और एक सरप्राइज। ये बर्तन धो रही क्योंकि दिन में सारा बर्तन मैंने धोया था और मुझे अभी बैक पेन हो रहा है तो इसी के लिए ज्यादा पानी का काम नहीं। ठंड भी है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेड का कुछ भी पता नहीं कि आएगी नहीं आएगी, कुछ पता नहीं। सबको आज तबीयत खराब है तो नहीं बोल सकते, कल तबीयत ठीक रहेगा उसका के लिए। तो गाइस किचन का काम अभी मेरा हो गया है, उनका तो थोड़ा नहीं हुआ है अभी। तब तक मैं आ गई हूँ, आयु को मैंने ब्रश करा दिया, मैंने भी कर लिया, और तब तक आरू जो सो रही है इसको हम लोग उठाएंगे और मालिश करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। मम्मी, मैं इसको ना कल खा लेता हूँ। ओके, मैं इसको वहां रख दे रहा हूँ। पापा को बोला कि आयु का चोकोबार बता लगा, आप अपना ले लीजिए, आपके लिए भी आयु उसमें बता के रख दिया। ओके पापा, अब मैं मालिश करती हूँ आयु को, आरू को, ठीक है? बाय। ओके, आरू को मालिश हो रहा है आराम से। वहाँ देखिए आरू को, ये देखिए हमारी आरू रानी को, दूर से दिखाओ ना, दूर से दिखाओ। मेरी बच्ची देखिए वहाँ पे, मम्मा को पहले हग्गू हग्गू करेगी, हग्गी करेगी मम्मा को। तो अब इसका टोपी हटाया गया है तो लग रही है मेरी को, मामा ले लिए इसको दकर दिया रहो। मैं दिला रहा हूँ, तुम मत दिलाओ। मैं रुको ना, अभी उसको ठंडा लग रहा है बेटा, अभी रुक जाओ, हाथ गर्म करने दो ना, उसके बाद मालिश ठंडी लगेगी नहीं। तो अब देखिए आरू मम्मा से पप्पी ले रही है। फैमिली, तो रात के बज चुके हैं, कितने बज रहे हैं, 1:13। आयु यहाँ सोया है, मैं यहाँ हूँ, आड़ू यहाँ है, रितु उधर है। तो आड़ू के जगने का यही टाइम है, 1 बजे वो जग जाती है, तो 1:15 हो ही गया। जब तक हम लोग को नींद आता है ये उठ जाता है। अब इसका सेवा सत्कार करना चालू है। तो चलिए, तो बताइएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और मिलते हैं फिर अगली सुबह। देखिए हम लोग इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, आप लोग को लगता हो क्यों नहीं डाल पा रहे, कि हम लोग रात भर जगे रहते हैं। हाँ, देखिए उसका सामान वगैरह सब कुछ लेके ही, मतलब ये इसका कपड़ा, डायपर, वाइप्स, उधर उसका मालिश का तेल, इधर दूध। अभी 1-2 घंटे में फिर मालिश के लिए उठेंगे। शरीर का बैंड बजा रहता है क्योंकि एक तो आया 5 साल पहले, अभी आई, तो रूटीन भी हमारा पूरा वो हो गया, वापस से उस चीज में डलना काफी टफ था। तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करें। तो बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और क्या बोलते हैं वो, झमाझम ब्लॉग आता रहेगा। आप लोग कमेंट करिए किट्टू अमित का ब्लॉग कौन कौन देखता है, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उनको। चलिए ये भी हम लोग दिन, आप बताओ मेरे बारे में, ये दिन भर तो किट्टू को ही देखती रहती है, फैमिली का ब्लॉग देखते हैं, जो इसमें छूट जाता है फिर उसका ब्लॉग देते हैं, फिर उसका छूट जाता है, फिर मतलब पूरा खबर है हमको उनके फैमिली के बारे में। वंदना जी, किट्टू जी, डीके जी, अमित जी, अब उनकी ये 4 चैनल तो हम रेगुलर देखते हैं। तो हम भी उन्हीं लोग का झमाझम ब्लॉग ही इसके वजह से देखते ही रहते हैं, एक दिन में 4 ब्लॉग, 5 ब्लॉग। उनकी डिलीवरी और मेरी डिलीवरी डेट ऑलमोस्ट सेम थी, पर उनको ज्यादा लेट हुआ बेबी, ड्यू टू लेबर करने से हुआ था। और नहीं, मेरा क्योंकि पहले दर्द भी हो रहा था तो मेरा थोड़ा ज्यादा पहले हो गया। तुम्हारा सेकंड बेबी है ना, जो भी हो, क्योंकि लेकिन ऑलमोस्ट डेट एक ही था। यस, उठ गई है, बातें सुन रही है। आरू दिखाइए। आरू, हेलो फैमिली।
मॉर्निंग टाइम फॉर मी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखे चलो। बाय रितु, गुड नाइट।